हेलो गाइस, आपका मार्केटिंग एक्सपर्ट के अंदर चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नीड वांट्स एंड डिमांड की। नीड वांट्स एंड डिमांड क्या होता है, तो इसका पूरा मैंने आपको फ़्लिप कोटलर से पूरा ये आपको ना स्क्रीन पे पूरा उसी का बुक का दिखा रखा है जो फ़्लिप कोटलर में था। नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स का लिख रखा है। अब टॉपिक पे आते हैं। नीड्स का मतलब क्यों होता है, जो कि बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हो गया एयर, हो गया फूड, हो गया ठीक है शेल्टर, हो गया क्लोथिंग, हमें कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए। तो हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो ह्यूमन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये इसको हम बोलते हैं नीड। ठीक है, एक इसमें हम पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, जैसे कि हमें ना भूख लगी है, ठीक है, ये हो गया हमारी नीड। अब नीड के बाद में आता है वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब कि मुझे उस भूख को अगर मिटाना है तो मुझे ना कुछ खाना पड़ेगा उस भूख को मिटाने के लिए। तो मैं जो खा रहा हूँ, मतलब कि मैं दाल खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, मतलब नेचुरल जो चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गया, सब्जी, ये सब खा के मैं अपनी नीड को मिटा रहा हूँ। तो जिस चीज़ से मैं नीड को मिटा रहा हूँ वो मेरी हो गई वॉन्ट। नीड हो गई कि मेरे को बेसिक रिक्वायरमेंट को भूख लगी। अब भूख लगने के बाद मैं उस भूख को मिटाने के लिए मैं कुछ खाऊंगा, तो जो दाल चावल हो गए, सब्जी हो गए खा रहा हूँ, ये मेरी होगी वॉन्ट। तो डिमांड क्या होती है, डिमांड तब होती है जब हम कोई मुझे ना भूख लगी है, लेकिन मैं दाल चावल रोटी और से नहीं मिटाऊंगा भूख, अपने मैं भूख मिटाऊंगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी कंपनी के प्रोडक्ट से, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, मैं बर्गर खा के अपनी भूख मिटाऊंगा, मैं पिज्ज़ा खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। तो ये हो जाती है डिमांड। ठीक है, तो जो कंपनी का जो मेन रोल आता है वो डिमांड के अंदर ही आता है। ठीक है, अब आता है कि ना, अब बहुत सारे बोलते हैं कि जो ना वॉन्ट होती है, मतलब सॉरी जो नीड होती है वो मार्केटर्स क्रिएट करते हैं, ऐसे ये बात टोटली गलत है। जो मार्केटर्स होते हैं कभी भी नीड क्रिएट नहीं करते, वो सिर्फ वॉन्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब इन्फ्लुएंस करने का मतलब कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ना, आपको पता है आपने, आपको भूख लगी, आपने ना उसको मिटाने के लिए आपने ना पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बर्गर खाया, लेकिन आपने बर्गर खाया लेकिन ना ये आपकी वॉन्ट थी, आपने एक बर्गर एक सॉरी एक पिज़्ज़ा खा लिया, आपकी भूख मिट गई। लेकिन जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ना वॉन्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, वो अच्छे से एडवर्टाइज़ करेंगे या कर देंगे एक पिज़्ज़ा पे एक पिज़्ज़ा फ्री है, तो आपकी जो वॉन्ट होगी, आपकी जो भूख होगी वो डबल हो जाएगी, आपको और भूख लग जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, आपकी वॉन्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। या बोलेंगे दो पिज़्ज़ा के, जो एक पिज़्ज़ा 100 रुपये का होगा तो दो पिज़्ज़ा आपको 150 का पड़ेगा, तो क्या कर रहे हो, आपके वॉन्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यही मतलब मार्केटर्स कभी भी नीड को क्रिएट नहीं करते, सिर्फ वॉन्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है फाइव टाइप्स ऑफ नीड्स, कि फाइव टाइप्स ऑफ नीड्स होती है। वो फर्स्ट होती है स्टेटेड नीड्स, सेकंड रियल नीड्स, थर्ड इज अनस्टेटेड नीड्स, फोर्थ इज डिलाइट नीड्स एंड फिफ्थ इज सीक्रेट नीड्स। स्टेटेड नीड्स का मतलब कि हम एग्जांपल के साथ समझते हैं जो इसमें दे रखा है, कि जो कस्टमर है अगर उसको कार चाहिए, लेकिन उसको कार कौन सी चाहिए, एक इनएक्सपेंसिव कार चाहिए उसको, तो ये क्या हो गया उसके स्टेटेड नीड्स। हाँ, ये तो मेरे बेसिक नीड है कि मेरे को एक इनएक्सपेंसिव कार चाहिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। सेकेंड आता है रियल नीड्स। रियल नीड्स मतलब कि एग्जाम्पल क्या समझा गया, द कस्टमर वॉन्ट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो। मतलब कि उसकी इनिशियल प्राइस है 10 लाख हो लो, लेकिन उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब साल का उसके सिर्फ 20 या 30 हज़ार लगे उसको ऑपरेटिंग, उसको मतलब कि सर्विसिंग कराने के, सर्विसिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा ना हो, ये हो गई उसकी रियल नीड्स की। हाँ, ये नीड्स एग्जिस्ट करती है असली में। सेकेंड आता है अनस्टेटेड नीड्स, मतलब कि जो कस्टमर है वो एक्सेप्ट कर, मतलब एक्सेप्ट मतलब कि वो कर एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो वहाँ पे होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर जहाँ पे मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं गाड़ी के शोरूम में गाड़ी लेने जा रहा हूँ, कार लेने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ना गुड सर्विस तो होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छा स्टाफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये होगी अनस्टेटेड नीड्स, कि वहाँ पे जाके उनको बताएगा नहीं कि मुझे तुम अच्छी सर्विस दो, ये उन शोरूम वालों को पता ही होना चाहिए कि हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, देन फोर्थ आता है डिलाइट नीड्स। डिलाइट मतलब कि अगर जो कस्टमर है अगर वहाँ पे जा रहा है, लेकिन उसको ना मतलब कि ये उसकी नीड नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन जो ना शोरूम वाला जो मालिक है, उसने जो ओनर है, उसने क्या करा, उसको ना एक पर्टिकुलर फ्री जीपीएस दे दिया, या उसको कुछ साउंड म्यूजिक टाइप में कुछ जो गाड़ी कार के अंदर उसको कुछ ना और कस्टमाइज करके गाड़ी को दे दिया विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो ये कहता कस्टमर ने ये ना सोचा नहीं था, ये उसको जैसे वहाँ पे गाड़ी खरीदने गया तो उसको अचानक से मिला, तो ये क्या होगी डिलाइट नीड्स हो गए। एंड फिफ्थ इज सीक्रेट नीड्स। सीक्रेट नीड्स मतलब कि जो कस्टमर है वो मतलब कि अगर चाहता है, मतलब कि कस्टमर, ये भी कस्टमर है ना, चाहता है कि उसके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले हैं उसको ना एक कंज्यू अच्छा सेवी कंज्यूमर समझे, मतलब कि उसको एक एक्सपेंसिव कंज्यूमर समझे। ये तो ये क्या है कि उसके का ना सीक्रेट नीड्स हो गए, वो किसी को ये बताने नहीं वाला कि
अपने फ्रेंड्स को बताने नहीं वाला, वो बस चाहता कि उसके फ्रेंड्स उसकी गाड़ी को देख के सोचे हाँ यार कितना सेवी कंज्यूमर है। ठीक है, अब इसी ना फाइव टाइप ऑफ नीड्स को हम दूसरे वाले एग्जाम्पल समझते हैं मैकडोनल्ड्स वाले से। ठीक है, मैं एक मतलब कि मान लो एक फ्रेंड था, उसके पांच दोस्त थे, उन पांच को भूख लगी, तो ये अब क्या हो गए, वो किधर जाएंगे खाने के लिए, मैकडोनल्ड्स में जाएंगे। तो इधर स्टेटेड नीड्स क्या होगी कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें ना जाते हमें एक ना खाना मिलना चाहिए अच्छा सा। ठीक है, ये उनकी स्टेटेड नीड्स होगी कि हमें अपनी भूख मिटानी जानी, ये इनकी स्टेटेड नीड्स हो गई कि हम मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी भूख मिटानी है। रियल नीड्स क्या आ गई कि वो चाहते हैं कि उनकी जो मैकडोनल्ड्स से खाना मिले वो इनएक्सपेंसिव मिले और बहुत फास्टली मिले, तो ये क्या हो गई, रियल नीड्स हो गई। अनस्टेटेड नीड्स क्या हो गई कि हम वहाँ मैकडोनल्ड्स पे जाए तो मैकडोनल्ड्स पूरा एक हाइजीनिक प्लेस हो, जो हमें खाना मिले जो फूड मिले वो एक हाइजीनिक हो। ये वहाँ पे जाके बताने नहीं वाले उनको कि है ना जो सर्विस पीपल से मैन से उनको कि हमें ना एक अच्छी सर्विस, हमें हाइजीनिक फूड चाहिए, ये उनको पता ही होना चाहिए मैकडोनल्ड्स वालों को, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा कस्टमर उनसे। ठीक है, देन फोर्थ हम समझते हैं डिलाइट नीड्स, मतलब कि अगर जो मैकडोनल्ड्स वाले हैं उनको बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर दे उधर, या कुछ डिलाइट कुछ फ्री में उनको साथ में दे दें, जैसे कि ना आइसक्रीम फ्री में दे दी उसके साथ में, पांच फ्रेंड आए थे तो तीन आइसक्रीम फ्री दे दी उन्होंने उस खाने के साथ में, तो ये क्या कोई डिलाइट नीड्स, वो जो फ्रेंड्स से और ज़्यादा डिलाइट हो गया यार अगली बार इधर से इधर ही आएंगे। देन सीक्रेट नीड्स हो गई कि अगर वो फ्रेंड अपने पांच दोस्तों के साथ में आ रहा है तो उसको ना इतना उसका अंदर होता है कि यार मैं अगर यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में आया तो मुझे एक बैठने के लिए जगह चाहिए अच्छे से, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में ओपन इन्वायरमेंट में अच्छे से बैठ के बात कर सकूँ और बात करते करते खाना खा सकूँ, तो ये क्या हो गई उसकी, ये सीक्रेट नीड्स हो गई। ठीक है, अब ये कंपनीज को ना देखना पड़ता है। अब इधर ना एग्जाम्पल भी दे रखा है, द रिस्पॉन्डिंग ओनली टू द स्टेटेड नीड्स में शॉर्ट चेंज द कस्टमर, कि अगर आप सिर्फ स्टेटेड नीड्स की, अगर मैं मैकडोनल्ड्स पे जा रहा हूँ बस मेरे वहाँ पे आप सिर्फ उसको है ना खाना दे रहे हो, प्रोवर्ड्स की भूख मिटवा रहे हो, तो ये क्या हो गई, वो शॉर्ट चेंज द कस्टमर, मतलब कि कस्टमर को शॉर्ट चेंज कर देगा, कि वो जितना वो कस्टमर सोच के आया था आपने उसको उससे कम आपने उसको प्रोवाइड किया, तो इससे क्या होगा, कस्टमर आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा आपके बिजनेस से। ठीक है, देन बोला कंज्यूमर्स डिड नॉट नो मच अबाउट टेबलेट कंप्यूटर्स व्हेन दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कि जब टेबलेट कंप्यूटर्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे तो कंज्यूमर्स थे उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, बट जो एप्पल थी उन्होंने अच्छे से है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया टू सेव कंज्यूमर परसेप्शंस ऑफ देम, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट हार्ड किया, मतलब अच्छे से मार्केटिंग करी, अच्छे से अपने आप को ना लाइक कंज्यूमर के सामने रखा, कि है ना लाइक अपनी अच्छे से परसेप्शन बनाया कंज्यूमर्स के माइंड में, टू गेन एन एज कंपनीज मस्ट हेल्प कस्टमर्स लर्न व्हाट दे वॉन्ट, कि मतलब कि जो कंपनीज है उनको है ना कस्टमर्स को हेल्प करना चाहिए कि है ना आपको क्या चाहिए, लर्न व्हाट दे वॉन्ट, वो किस किस के थ्रू मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं अच्छे से अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय।